नमस्कार, खेल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रियो ओलंपिक से रूस को बैन करने को लेकर अपना फैसला फिलहाल टाल दिया है और अब वह संभावित बैन के बारे में कानूनी विकल्प तलाशेगा। आईओसी के कार्यकारी बोर्ड की स्विट्जरलैंड में आपात बैठक हुई कि रूस को रियो ओलंपिक में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना है कि नहीं। रूस में प्रतिबंधित दवाओं के व्यापक इस्तेमाल की रिपोर्ट्स के बाद रूस को ओलंपिक से बैन किए जाने की मांग उठ रही है। टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए तैयार है। 2 अभ्यास मैच के बाद अब टीम इंडिया 21 जुलाई को पहला टेस्ट खेलने उतरेगी। होम ग्राउंड होने के कारण वेस्ट इंडीज को एडवांटेज होगा, लेकिन सीरीज जीतने के लिए भारतीय टीम को पहले टेस्ट से ही जीत दर्ज करानी होगी। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो भारत में पहली बार आयोजित हो रही फुटबॉल प्रीमियर लीग को बीच में छोड़कर अपने देश ब्राजील लौट गए हैं। वे इस लीग में गोवा फाइव्स की ओर से खेल रहे थे। उनके स्थान पर ब्राजील टीम के पूर्व कप्तान काफू को शामिल किया गया है। गौरव की काफू 2 बार की वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रह चुके हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मेन पेस बॉलर जेम्स एंडरसन, ऑलराउंडर बेन स्टोक्स और लेग स्पिनर आदिल रशीद को पाकिस्तान के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हो रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट के लिए 14 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। ये तीनों पहले टेस्ट की टीम का हिस्सा नहीं थे, जिसमें पाकिस्तान ने 75 रन से जीत दर्ज की थी। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट ले चुके एंडरसन और स्टोक्स क्रमशः कंधे और घुटने की चोट से उबर चुके हैं। रशीद को मोइन अली के विकल्प के तौर पर रखा गया है, जो पहले टेस्ट में काफी महंगे साबित हुए थे। शीर्ष डिस्कस थ्रोअर सीमा पूनिया के रियो ओलंपिक के अभ्यास के लिए रूस जाने के फैसले से भारतीय एथलेटिक संघ नाराज हो गया है। गौरतलब है कि रूस फिलहाल डोपिंग के मामलों का केंद्र बना हुआ है। सीमा इन दिनों रूस प्रांत के इडिजिया प्रांत की राजधानी मेकॉप में अभ्यास कर रही है। खेल की खबरों फिलहाल इतना ही। खेल की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अरे मेरी माँ, देख अगर मच्छर फिंगर्स पे काउंट कर सके तो नॉर्मल मोड। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 10 अगर फिंगर्स खत्म हो जाए तो एक्टिव मोड। फिंगर से मच्छर गिनो नहीं, भगाओ। गुड नाइट एक्टिव प्लस मशीन और रिफिल सिर्फ 72 रुपीज में। पुश करो, खुश रहो। 5-10 नहीं, सिर्फ 100% बेटर को कहते हैं बेस्ट। नया डेटॉल गोल्ड, इसका एडवांस्ड फॉर्मूला आम एंटीबैक्टीरियल साबुन के मुकाबले में दे 100% बेटर प्रोटेक्शन, यानी बेस्ट प्रोटेक्शन। मैं